नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी टीम एक दिग्गज ऑलराउंडर के पीछे 12 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसे अपने स्क्वाड में शामिल करने की पूरी कोशिश करने वाली है, ऐसी ही खबर आ रही है आरसीबी टीम से जुड़ी हुई। तो क्या है पूरी अपडेट, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचती रहे। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो उसे भी याद से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहेगी। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहाँ पर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वेस्टइंडीज़ के पूर्व कप्तान और दुनिया के शीर्ष ऑलराउंडर में शामिल जेसन होल्डर इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की बड़ी नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं और आरसीबी टीम उनके लिए बड़ी बोली लगाने की उम्मीद है। आरसीबी की नीलामी रणनीति की जानकारी रखने वाले सूत्रों की माने तो विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज को अपने साथ बरकरार रखने वाली फ्रेंचाइजी होल्डर के साथ उनके ऑलराउंड कौशल के लिए 12 करोड़ रुपए तक की बोली लगा सकती है। फ्रेंचाइजी के एक करीबी सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया है कि बेन स्टोक्स उपलब्ध नहीं है, हार्दिक पांड्या और मार्कस स्टोनिस दूसरी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। मिचेल मार्श के बारे में आपको नहीं पता कि चोटों से जूझने के कारण वह पूरा आईपीएल खेल पाएगा या फिर नहीं। अगर रिकॉर्ड को देखें तो होल्डर का प्रदर्शन शानदार रहा है, आरसीबी उसके लिए बड़ी बोली लगा सकता है और अन्य टीमें भी ऐसा कर सकती हैं। आरसीबी की टीम नीलामी में 57 करोड़ रुपये के साथ उतरेगी और माना जा रहा है कि टीम की रुचि 3 खिलाड़ियों में है, जिसमें होल्डर के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स टीम के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायडू और राजस्थान टीम के युवा खिलाड़ी रियान पराग भी शामिल हैं। सूत्र ने कहा है कि होल्डर के लिए उन्होंने 12 करोड़ रुपए रखे हैं और 8 करोड़ रुपए रायडू के लिए और 7 करोड़ रुपए पराग के लिए रखे हैं। अगर वो इन खिलाड़ियों के लिए लगभग 27 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं तो भी उनके पास 28 करोड़ रुपए बचेंगे। उन्होंने कहा कि कोहली, मैक्सवेल, सिराज, होल्डर, रायडू और पराग के रूप में टीम के कोर खिलाड़ी तय हो जाएंगे। उम्मीद कीजिए कि वे पसंदीदा 3 खिलाड़ियों में से 2 को जोड़ पाएंगे। नीलामी में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन होल्डर आईपीएल में बड़ी बोली के दावेदार के रूप में उतरे हैं क्योंकि हरफनमौला खिलाड़ियों की संख्या कम है। सूत्र ने कहा कि क्रिस मॉरिस अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन क्या वह 16 करोड़ रुपए से अधिक की बोली के हकदार थे? संभवतः नहीं, लेकिन ऑलराउंडर की कमी के कारण कुछ फ्रेंचाइजी उतावली हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसा ही युवराज सिंह के साथ था, जब उसे 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने 15 करोड़ रुपए में खरीदा था, जबकि वह अपने शीर्ष दौर से गुजर चुके थे। यह ब्रांड और बाजार का खेल है। सीएसके की सफलता में रायडू की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और महेंद्र सिंह धोनी जांचे परखे खिलाड़ियों पर दांव खेलते हैं और ऐसे में गत चैंपियन टीम रायडू को दोबारा अपने साथ जोड़ना चाहेगी। नीलामी में रायडू विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उतर रहे हैं और ऐसे में बल्लेबाजी, विकेटकीपिंग और अनुभवी उन्हें अहम दावेदार बनाते हैं। आईपीएल 2020 में अच्छे प्रदर्शन के बाद पराग के लिए 2021 सत्र अच्छा नहीं रहा था। वह बड़े हिटर भी हैं जो स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जिससे नीलामी में उनके लिए बड़ी बोली लगने की उम्मीद है। कोहली की कप्तानी छोड़ने के बाद आरसीबी कप्तानी के संभावित दावेदारों को जोड़ने की कोशिश करेगा। टीम श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को जोड़ने की कोशिश में रहेगी या फिर कोहली से एक और सत्र के लिए कप्तानी करने का आग्रह करेगी, यह भी देखना होगा। तो देखना यह होगा कि आरसीबी टीम में क्या होल्डर, रायडू जैसे खिलाड़ी आते हैं या फिर टीम जो है अय्यर या फिर डेविड वार्नर को खरीद करके अपने स्क्वाड में उन्हें कप्तानी की भूमिका देती है।